झारखंड का एकमात्र जिला साहिबगंज जहां से गंगा नदी बहती है। जिले के राजमहल विधानसभा क्षेत्र में फिर से एक बार गंगा कटाव का डर ग्रामीणों को सता रहा है। साहिबगंज राजमहल और उधवा प्रखंड क्षेत्र के शोभनपुर मोकिमपुर प्राणपुर सैदपुर श्रीधर दियारा गोपालपुर दियारा कटाव की चपेट में आ गए हैं। धीरे धीरे कटाव अपना अब विकराल रूप ले रहा है, जिसे साहिबगंज राजमहल NH 80 पथ शोभनपुर के पास कटाव की चपेट में आ चुका है। वहीं राजमहल विधायक अनंत ओझा ने मामले को लेकर बताया कि राजमहल विधानसभा के 83 किलोमीटर गंगा के किनारे सिलिस्ट्रेशन होने के साथ लगातार कई स्थानों में बाढ़ के आते ही कटाव जारी हो जाता है और बाढ़ जाते समय पानी निकलते समय भी गंगा कटाव की समस्या बनी रहती है। विधानसभा सत्र में कई बार इस समस्या को लेकर आवाज उठाई गई। इसको लेकर स्थल का निरीक्षण भी कई बार किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर और मेल के माध्यम से गंगा कटाव को रोकने के लिए आग्रह भी किया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा जल संसाधन के प्रधान सचिव को भी पत्र दिया गया। राज्य के मुख्य सचिव को भी अवगत कराया जा चुका है ताकि कटाव से मुक्ति मिल सके। सौभाग्य भी है हमारे लिए, ये वरदान भी है कि राजमहल विधानसभा क्षेत्र के 83 किलोमीटर माँ गंगा के किनारे हमारा क्षेत्र पड़ता है और गंगा के साथ, चूंकि यहाँ गंगा में सिल्ट्रेशन होने के कारण लगातार कई स्थानों पर बाढ़ के आते हैं, कटाव होना प्रारंभ हो जाता है, या तो पानी प्रवेश करते समय या पानी निकलते समय। इसको लेकर के विगत विधानसभा में भी, पिछले समय में भी, सत्र में भी हमने कई बार आवाज उठाया, कई स्थानों पर काम भी हुआ। अभी लगातार शोभापुर में, राजमहल प्रखंड के शोभापुर में मुकीमपुर से लेकर के और सैदपुर के रास्ते में गंगा कटाव जारी है। वहीं दूसरी ओर श्रीधर दियारा 10 नंबर कॉलोनी के आगे और प्राणपुर दियारा के पास गंगा कटाव जारी है। गोपालपुर दियारा साहेबगंज सदर प्रखंड का जो गोपालपुर दियारा है उसके मुहाना पर भी कटाव जारी है। इसको लेकर के हमने स्थल का निरीक्षण किया था और राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी को हमने पत्र लिख करके और मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि उस कटाव को रोकने की दिशा में काम हो। दूसरा, हमने जल संसाधन सचिव प्रधान सचिव को भी पत्र दिया है, राज्य के मुख्य सचिव को भी पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि इस दिशा में शीघ्र काम प्रारंभ हो ताकि कटाव से मुक्ति हो सके। चूंकि जिस प्रकार से कटाव जारी है तो लगता है कि NH-80 पर भी खतरा, बहुत कम ही समय बचा है, स्थान है जो NH-80 पर भी खतरा हो सकता है। कटाव 2017 के पहले से जब चालू है यहाँ, उसके बाद जब लिखा पढ़ी हुआ और अफसर लोग आते गए, नेता लोग आते गए, MLA आए, MP आए, थॉमस हाजदा भी पहले आए थे, आता है देख करके जाता है, लेकिन जब कोई यहाँ जब तो कार्यवाही नहीं होता है। कभी कभी समझ के जब बोल्डर का पिचिंग होता है जब तो नेट का जब तो गिरा करके चला जाता है, लेकिन कटाव नहीं थमता, भीषण कटाव है। और जब हम लोगों का जो MLA साहब घोषणा किया था कि तुम लोगों का 3 इकट्ठा करके जमीन बंदोबस्ती जो करके देंगे और साथ है प्रधानमंत्री आवास योजना भी जो है तो आवास भी देंगे, लेकिन अभी तक जो कुछ नहीं हुआ है। बहरहाल जिस तरह से कटाव जारी है लगता है कि NH-80 पर भी खतरा हो सकता है। वहीं निश्चित रूप से इस दिशा में सरकार को संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिए। झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज जहां पवित्र गंगा नदी बहती है, परंतु गंगा नदी के किनारे कटाव इस समय एक भयावह स्थिति बनते जा रही है। प्रति वर्ष यहाँ पर कटाव की स्थिति बनी रहती है, परंतु इस समय आपको दिखाना चाहूंगा, ये शोभापुर में शोभापुर गांव है, यहाँ पर फिर कटाव शुरू हो गया है। यहाँ कटाव की स्थिति बहुत ही दयनीय है, ठीक है। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये अब किसी भी हाल में, ये कैमरा मैन कहेंगे, यह NH-80 पथ है, ये NH-80 पथ है जो बहुत ही जर्जर स्थिति में है। और इस साल की कटाव में ग्रामीणों का कहना कि आप NH-80 पथ भी यहाँ नहीं बच पाएंगे। इसको लेकर के स्थानीय विधायक को और प्रशासन को अलर्ट किया है कि इसका अविलंब इस पर किसी तरह का कुछ कार्रवाई किया, जब तक ये मैंने अब बाढ़ आई तो सबकी नींद टूटी, जब बाढ़ नहीं थी सूखा में उस समय किस तरह का काम नहीं हुआ। अब बाढ़ यहाँ के स्थानीय लोगों को बाढ़ का डर सता रहा है, यहाँ का कटाव का डर सता रहा है। साहिबगंज से कैमरामैन धनंजय हल्दार के साथ अभिजीत रचित की रिपोर्ट।